हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ, आपका दोस्त नमन मेहरोत्रा। मैं आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम शुरू किया है। मैं नंबर सिस्टम की पांच पार्ट्स ले आया हूँ, पांच वीडियो पड़ी हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी हैं। मैंने नंबर सिस्टम के पाँचों पार्ट में ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जो आप क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड में कर सकते हैं। गवर्नमेंट जब भी कोई एग्जाम बनाती है तो उसके हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक्स जरूर होती है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर होता है। वो लेंथी क्वेश्चन को भी कितने आसान तरीके से हम कर सकते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया है। ये मेरी मैजिकल ट्रिक्स हैं, और मैंने जो भी पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा रहा हूँ साथ साथ, और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा टॉपिक खत्म होने के बाद। मैंने आपको पाँच पार्ट कंप्लीट करा दिए नंबर सिस्टम के, अब ये छठा पार्ट है जो मैं आज करा रहा हूँ। मैं आपको दो तीन पार्ट और मैं नंबर सिस्टम कंप्लीट करा के नया टॉपिक शुरू करूँगा फिर मैं। चलिए आई प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप में करिए, व्हाट्सएप में करिए, फेसबुक में, हर जगह मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें, और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम का पार्ट 6। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन SSC CGL 2013 में आया हुआ है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है आप लोगों को, और इसको कितने आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अगर हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। पहले हम इसको उठा लेंगे, आपको बताइए हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करके इसका जो नीचे है उसको माइनस में करके इसका परिमेयकरण कर देते हैं। जैसे नीचे √3 + √4 है तो दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - √4 का। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस। परिमेयकरण आपने सीखा होगा कि ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - √4। इसका a² + b² तो 3 - 4, पर हमें इस तरह से नहीं करना है इस सवाल को। इस तरह से करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका एग्जाम में 2-3 मिनट लग जाएंगे और आप बिल्कुल ही एग्जाम आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे इन सवालों को ऐसे तरीके से करना है जिससे हम अपना टाइम बचा सकें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के एग्जाम में, हमें 30 से 35 सेकंड में इस सवाल को करना है। तो इस देखिए इस सवाल को ऐसे करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा याद रखिए। 1/gap, याद रखना इस ट्रिक को, 1/gap लार्ज प्लस माइनस स्मॉल। क्या बताया मैंने, 1/gap लार्ज प्लस माइनस स्मॉल। इसमें हर एक में किसका कितने का गैप है, 1 का गैप 1 का गैप 1 का गैप 1 का गैप। तो इसमें जो गैप आएगा वो तो यानी से 1 ही आएगा यहाँ पे, और लार्ज जो अपने आप में प्लस माइनस, जब उनका परिमेयकरण करेंगे तो प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। हमारा यहाँ पे लार्ज नंबर क्या है, 1/gap तो 1/1 ही रहेगा। लार्ज क्या है हमारा, √9। देखिए प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ क्या है बीच में प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पे लार्ज क्या होगा, √9। यहाँ पे क्या है हमारा सब में प्लस है तो यहाँ हमने क्या ले लिया माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा √3। स्मॉल क्या है हमारा, √3। अब देखिए 1 का 1 ही रहेगा, √9 का क्या होता है हमारा 3 होता है, यहाँ क्या होगा 3 - √3। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। जावरा देखिए 1/gap लार्ज प्लस माइनस स्मॉल, इसको गार्ड बांध ली इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या कॉन्सेप्ट है ये, परिमेयकरण करके सब अपने आप में कट जाते हैं तो यही चीज़ बचती है। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्या करेंगे 1/gap लार्ज प्लस माइनस स्मॉल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। तो यार 1/1 हो गया, लार्ज क्या है हमारा √9 है, माइनस स्मॉल क्या है √3 है। यहाँ पे यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। तो यहाँ √9 हो गया, माइनस √3 है तो यहाँ √3 होगा, तो 3 - √3। समझ में आया नहीं आया, अब आप इस तरह के क्वेश्चन को ओरली करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। रिजल्ट 1/gap लार्ज प्लस माइनस
स्मॉल। अब देखिए वन, समय वन का गैप है, इसमें भी वन का, इसमें भी वन का, इसमें भी वन का, ठीक है। अब दो वन अपॉन वन ही आएगा, और लास्ट क्या है यहाँ पे, रूट नाइन है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है बीच में सब में, तो यहाँ क्या आएगा हमारा माइनस, स्मॉल क्या है हमारा वन, क्या है स्मॉल हमारा वन जी, तो कट जाएंगे रूट टू से, रूट टू, रूट थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन, एट एट, बचा हमारा क्या है रूट नाइन, स्मॉल क्या है हमारा वन, तो वन तो वन ही रहेगा यहाँ पे। रूट नाइन का क्या होता है थ्री, रूट नाइन का क्या हो गया थ्री माइनस वन, तो क्या आएगा टू। ऑप्शन में इसमें इसमें टू ऑप्शन नहीं है, तो इसका एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यहाँ पे आंसर आएगा टू। इसमें गलती से मिस्टेक हो गई है, इसमें हमने ऑप्शन रख नहीं पाए हैं टू, इसलिए इसका आंसर एक बार देखिए वन अपॉन वन, लास्ट क्या है इसमें हमारा रूट नाइन, यहाँ रूट नाइन आ गया, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ क्या आ गया हमारा माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा हमारा स्मॉल नंबर, स्मॉल क्या है हमारा वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट नाइन का क्या हो गया थ्री माइनस वन, तो क्या आ गया टू, तो इसका आंसर आ जाएगा टू। नो नो दी, समझ में आया नहीं आया, इसको ऑप्शन रखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा टू। समझ में आया होगा आपको, ट्रिक समझ में आनी चाहिए आपके। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन है ना, ये सीरीज क्वेश्चन बनना है, ये क्या है हमारा सीरीज क्वेश्चन है, वही तरीका लगेगा, रिजल्ट वन अपॉन गैप लार्ज प्लस माइनस स्मॉल, गैप में वन कहिए तो वन अपॉन वन, लार्ज क्या है हमारा जिस 99 से 99, 98 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा लार्ज क्या है यहाँ पे हमारा 100, क्या है हमारा 100। अब यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, माइनस चल रहा है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, स्मॉल क्या है हमारा वन, स्मॉल क्या है हमारा वन, 100 का क्या हो जाएगा 10 प्लस वन, कितना आ जाएगा हमारा 11। समझ में आया होगा नहीं आपके, वन अपॉन गैप लार्ज प्लस माइनस स्मॉल, प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, अगर यहाँ पे माइनस चल रहा है तो क्या आएगा हमारा प्लस, और प्लस चल रहा है तो क्या आएगा माइनस। अब यहाँ के पे क्या चल रहा था, माइनस चल रहा था सब जगह, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा हमारा। लार्ज नंबर ये छोड़ना, इधर ही हो इधर भी हो सकता है, उल्टी सीरीज भी आ सकती है ना, तो यहाँ पे लार्ज नंबर क्या हो गया हमारा रूट 100, ये सब कट जाएंगे, सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा वन, तो वन आ गया, रूट 100 का क्या होगा 10 प्लस वन 11 आ गया। पहला क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, वही तरीका, रिजल्ट अब ओरली करेंगे, वन अपॉन वन लार्ज नंबर क्या है, ये कट जाएंगे सारे, सब कट जाएंगे, लार्ज नंबर क्या है रूट नाइन, रूट नाइन, यहाँ क्या चल रहा है माइनस 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 माइनस, तो क्या आएगा प्लस, स्मॉल नंबर रूट फोर, एन का क्या हो जाएगा थ्री, टू फोर का क्या हो जाएगा टू, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फाइव। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया हमारा दशमलव का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2004 का, इस टाइप के क्वेश्चन ही बनाते हैं, घुमा फिर आ गए वो, और वो आपको चेक करना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, और वो अपना गवर्नमेंट एग्जाम में हमेशा ऐसा क्वेश्चन ही बनाएगा जिसका जरूर ना कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर होगा। इतना अगर ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करने बैठे तो आपको 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे क्वेश्चन को करने में, पर वो एग्जाम इस तरह का बनाते हैं जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकें, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ट्रिक लग सकती है। अब इसको वही तरीका होगा हमारा, वन अपॉन गैप लार्ज प्लस माइनस स्मॉल, वन अपॉन गैप तो वन कहिए, लार्ज क्या है हमारा इसमें, इससे इसमें लार्ज क्या है हमारा, इसमें लार्ज है हमारा 6.25, क्या है हमारा लार्ज क्या है इसमें 6.25, और स्मॉल क्या है हमारा 2.25, स्मॉल क्या है हमारा 2, इससे ये कट जाएगा इससे वो कट जाएगा, तो हमारा स्मॉल क्या है 2.25, यहाँ पे क्या आएगा प्लस है प्लस है प्लस, तो माइनस आ जाएगा। देखिए लार्ज क्या था हमारा 6.25 और स्मॉल क्या था हमारा 2.25, और इससे स्मॉल तो कोई है ही नहीं, तो 6.25 का क्या होता है 625 का क्या होता है 25 होता है, तो 6.25 का क्या होगा 2.25, 225 का क्या होता है 15 होता है, 225 का क्या होता है स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है, इसका क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 1.00। तो जो हमारा आंसर एक बार समझिए, लार्ज प्लस माइनस स्मॉल का कॉन्सेप्ट है, लार्ज क्या है हमारा 6.25 का रूट
माइनस स्मॉल क्या है, 2.25 का रूट, 6.25 का रूट क्या हो गया हमारा 225 होता है, 25 होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, और 2.25 225 का कितना होता है 15 होता है, तो 1.5 हो जाएगा, 2.25 में से 1.5 चले जाएंगे हमारे, क्या आ जाएगा 1। समझ में आया नहीं आपके, आप लोगों के, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2.65, सॉरी 6.625 का क्या होता है 25, तो इसका क्या हो जाएगा 2.5, और 225 का क्या होता है 15, तो इसका क्या हो जाएगा 1.5। समझ में आया होगा आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको देखने में कितना हार्ड लग रहा होगा, लग रहा होगा हार्ड। SSC CHSL 2013 का क्वेश्चन, इसकी ऐसी मैजिकल ट्रिक बताऊंगा मैं, आप इसको 30 से 35 सेकंड में कर देंगे, उससे भी कम टाइम में ओनली कर देंगे बिल्कुल, और देखने में इतना हार्ड लग रहा है। इसको बेसिक तरीके से देखिए पहले कैसे होगा, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे। अब जी 0.01 का कितना गुना है ऊपर वाला, 10 गुना है, तभी तो 0.1 आएगा हमारा, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 10A, क्यों ये A माना है तो क्या हो जाएगा 10A का स्क्वायर प्लस 10B का स्क्वायर प्लस 10C का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। 10 स्क्वायर का बाहर कॉमन ले लेंगे तो नीचे क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, नीचे क्या आएगा हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। रूट चल रहा है जिससे ये कट जाएगा, अब 10 स्क्वायर से ये कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। पर ये बेसिक मेथड, ये क्या है हमारा बेसिक मेथड, पर हमें इससे नहीं करना है। अब आप पूछेंगे सर इसकी क्या मैजिकल ट्रिक है, अब देखिए इसकी मैजिकल ट्रिक, मैंने क्या बताया इसका ये कितने गुना है 0.01 का 10 गुना है ऊपर वाला, तो हमारा आंसर होगा 10। कुछ मत करिए इसके अलावा, आप इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बढ़िया ट्रिक है ये बिल्कुल। आप 0.01 का कितना गुना है ऊपर वाला 10 गुना, इसका जी कितने गुना है 10 गुना, इसका जी कितने गुना है 10 गुना, तो आंसर क्या होगा हमारा 10। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखिए, SSC जो वो 2013 का क्वेश्चन है, 2015 का वही क्वेश्चन दे दिया है, बस डिजिट चेंज कर दिए। ये भी इसका कितना गुना है 10 गुना, ये भी कितने गुना है 10 गुना, ये भी कितने गुना है 10 गुना, तो आंसर कितना होगा हमारा 10। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 माइनस 72 की पावर 3 प्लस 201960, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे। देखिए अब ए क्या है हमारा 55, बी क्या है 17, सी क्या है माइनस के 72। 55 और 17 कितने होते हैं हमारे 72 माइनस 72, तो 0 आ जाएगा, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया हमारा 0। बीजगणित का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 3ABC बराबर भी क्या होता है 0। इसको याद कर लीजिए, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ABC भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब ये तो 0 हो गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब देखो इसमें क्या करें 55Q प्लस 17Q प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 72Q। अब यहाँ प्लस है तो माइनस 72 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो A3ABC आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप ABC है यहाँ पे, तो 55 × 17 × 72 करेंगे तो आपका यही आएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसका 0। इसको याद रख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ABC भी क्या होता है हमेशा 0 होता है। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, SSC CHSL 2012 का क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं देखिए। तो इसमें एंड से चलते हैं, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 15, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 15, 15 में क्या जोड़ देंगे 154, कितना हो जाएगा 169, फिर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका कितना होता है हमारा 13, फिर 13 में क्या जोड़ देंगे 108, 108 का 13 में 108 जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा 121, 121 का क्या होता है 11, 11 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, फिर 6 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, नीचे क्या है हमारा ये 3, उसमें उसकी ये कर्ण नहीं है 3, 8 की 8 का मतलब क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया हमारा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। समझ में आया होगा आप लोगों को, एक बार देखिए पीछे से चलते हैं, 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15, 15 में 154 जोड़ा तो क्या होगा 169, 169 फिर स्क्वायर रूट कर देंगे क्या आ जाएगा 13, 13 में 108 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 121, 121 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 11, 11 में 25 जोड़ देंगे कितना हो गया हमारा 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6,
छह में दस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, सोलह, सोलह का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, चार, और नीचे क्या है हमारा आठ का क्यूब रूट, चार अपॉन टू क्या आ जाएगा दो, समझ में आया होगा नहीं आया होगा आपके, ये SSC सीरीज है 2012 का क्वेश्चन, इस तरीके से करेंगे तो आप 30 सेकंड में कर देंगे, और आप बेसिक तरीके से करने लग गए तो आपको 3 से 4 मिनट आराम से बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी नहीं होगा ये क्वेश्चन आप पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैं आपको करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, 4 × 5 बताया था, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, बताया था आपको नंबर वन जोड़ लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर वन जोड़ने को बताया था, इसमें एक एक का गैप है सब में, बताया था मैंने आपको, इसमें जो बताया था मैंने आपको एक तरीका बताया था, स्मॉल इससे ये कट जाएगा, 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 स्मॉल में से क्या कटाते हैं लार्ज, 1/4 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 1/10, 1/4 माइनस 1/10, ये कौन सा बताया था मैंने आपको, 10 और 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 20, 4 से 5 बार, 10 से 4 बार, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/20, क्या आ जाएगा हमारा 1/20, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसके नन ऑफ दीज कर दीजिए, तो मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1/20, मैंने बताया था आपको, देखो 5 से 20 का क्या होगा 4 × 5, 30 का 5 × 6, 42 का क्या होगा 6 × 7, 56 का क्या होगा 7 × 8, 72 का 8 × 9, 90 का 9 × 10, तो अब मैंने बताया था स्मॉल माइनस लार्ज, यहाँ पे क्या है 1/4 माइनस 1/10, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 20, एलसीएम लिया 4, 10 से सॉरी सॉरी 4 से कितने कट गए 5 बार, 4 × 5 = 20, 5 आ गया, 10 से कितने कटेगा 20 2 बार, तो यहाँ क्या आएगा 2 सॉरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 − 2 क्या हो गया 3/20, इसमें ऑप्शन है जो वाला, देखिए एक बार और 1/4 माइनस 1/10, 4 और 10 का एलसीएम 20, 4 से कितने कट गया 5 बार, 5 का 1 में कर 1 आ गया, 5 आ गया, माइनस 10 से कितने कट गया 2 बार, यहाँ 2 आ गया, 5 − 2 कितने हो 3/20, यहाँ गलती से 4 हो गए तो यहाँ क्या आएगा 2, तो 3/20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/20, सही सही प्रिंट हुए हैं ऑप्शन, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, कल मैं आपको नया पार्ट लेकर आऊँगा, नई क्लास लेकर आऊँगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे ग्रुप में शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कल मिलते हैं फिर नए पार्ट के साथ, पार्ट 7, बाय फ्रेंड्स।